अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से, और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं zoom.com के हवाले से, जो कि पेपाल की एक सर्विस है। और अगर जो है आपका अपना पेपाल या आपके किसी क्लाइंट का पेपाल जो है यूरोप का, यूएसए का या यूके का है, तो वो zoom.com की सर्विस के ज़रिए जो है आपको पाकिस्तान में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं या और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जहाँ पे जूम जो है सपोर्ट करती है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं दोबारा से आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर किसी अरब कंट्री का, फिलीपींस या मलाइशिया वगैरह का अगर आपका पेपाल है, तो वहाँ पे zoom.com की सर्विस जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ के जो बंदे हैं, जो पेपाल यूज़र हैं, वो आपको zoom.com के ज़रिए बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब zoom.com से जो बैंक ट्रांसफ़र के 3 डिफरेंट ऑप्शन हैं आपके पास, जिसे आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं अगर पाकिस्तान से ही हैं। अब पहला तो है बैंक डिपॉजिट। तो आप जो है अपनी बैंक डिटेल्स जो है, यानी कि IBAN नंबर जो होता है, वो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, वो अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, और वो फिर zoom.com के ज़रिए आपको जो है, ये पहला ऑप्शन यहाँ पे है बैंक डिपॉजिट का, तो वो आपके बैंक में पेमेंट सेंड कर सकता है। और कभी तकरीबन जो है नॉर्मली कुछ घंटों में, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिन में जो है पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कैश पिकअप का। तो पाकिस्तान में कई ऐसे बैंक हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं भी है, तो आप अपने जो है NISC की डिटेल्स जो है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, और वो जो है आपको फिर जो है पेमेंट सेंड कर सकते हैं, और फिर आप जो है बैंक जाके और वहाँ पर जो डिटेल्स आपको मिलती हैं वो शेयर करके जो है पेमेंट वहाँ से अपनी हासिल कर सकते हैं। तो ये कैश पिकअप कहलाता है, यानी कि आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत भी नहीं है। और तीसरा ऑप्शन आपका मोबाइल वॉलेट का है, यानी कि इजी पैसा, जैस कैश, जो हमारे पाकिस्तान में मोबाइल वॉलेट कहलाते हैं, इनके ज़रिए भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें इस टाइम ये इस स्क्रीनशॉट में कि एरर आ रहा था, कि यानी जो बंदा था वो पहले जो है zoom.com के ज़रिए ट्रांसफ़र करता रहा था इस क्लाइंट को, लेकिन बाद में उनके पास इस किस्म का एक एरर आ रहा था। तो अगर आपके पास ऐसे एरर आए, तो फिर जो आप जो कैश पिकअप वाला ऑप्शन है या बैंक डिपॉजिट वाला ऑप्शन है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। मतलब यानी अगर जैज़ पे कैश या इजी पैसा, जो मोबाइल वॉलेट काम नहीं कर रहे, और अगर आप बैंक अकाउंट बनवाना चाहते हैं, तो नॉर्मली जो आपका आसान अकाउंट है वो सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर ओपन हो जाता है, फैसल बैंक का है, मिज़ान बैंक का है, और काफ़ी बैंक भी बनाते हैं। अगर आपने अकाउंट नहीं भी बनवाना, तो फिर कैश पिकअप वाला जो ऑप्शन है वो आपके लिए ज़बरदस्त है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर ताउस, देसी जेके चैनल से। अल्लाह हाफिज़।